नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आरती और केकेआर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन के निर्देश अनुसार स्वामी विवेकानंद शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय हरदा के नेतृत्व में स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित अमृत महोत्सव कार्यक्रमों की श्रृंखला में मंगलवार को हरदा शहर के सभी शासकीय और अशासकीय महाविद्यालयों के स्टाफ और विद्यार्थियों द्वारा ऐतिहासिक स्थलों के भ्रमण के उद्देश्य से साइकिल रैली का आयोजन किया गया। वहीं साइकिल रैली को महाविद्यालय के प्रशासनिक अधिकारी विजय कुमार अग्रवाल द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। साथ ही अग्रणी महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर प्रभा सोनी की अगुवाई में यह साइकिल रैली घंटाघर से क्रमशः रेलवे स्टेशन, सेंट मैरिज स्कूल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस प्रतिमा, अंबेडकर चौक, फ्रूट मार्केट सहित प्रताप चौराहे होते हुए बापू की कुटिया पर समाप्त हुई। इस दौरान बापू की कुटिया में बापू के आगमन की यादों को ताजा करते हुए जिले की नोडल अधिकारी डॉक्टर धीरा शाह ने दांडी मार्च के दौरान गांधी जी के हरदा प्रवास से संबंधित घटनाओं से विद्यार्थियों को अवगत कराया। इस रैली में शासकीय आदर्श महाविद्यालय और अशासकीय आदर्श महाविद्यालय हरदा, LBS कॉलेज हरदा, होली फेथ कॉलेज हरदा के स्टाफ और विद्यार्थियों ने बड़ी संख्या में प्रतिभागिता की। स्वामी विवेकानंद शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय हरदा ने आज 16 मार्च को स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर अमृत महोत्सव के कार्यक्रम के आयोजन के संदर्भ में साइकिल रैली निकाली, जो घंटाघर से शुरू हुई और बापू की कुटिया पर समाप्त हुई है। रैली समाप्ति के पश्चात हम लोगों ने बापू की कुटिया में भी कुछ वक्त बिताया और वहाँ पर जो स्वाधीनता संग्राम और उसके पहले के समय पर जब वो यहाँ आकर के रुके थे, उन क्षणों का स्मरण किया। और इस रैली में हमारे जिले के सभी अशासकीय और शासकीय महाविद्यालयों का भी योगदान रहा। हमारे चैनल में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।